हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विथ P48 ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं धर्मशाला, और उससे पहले हम जाएंगे आज सुलियाली के पास। एक जगह है गुरचाल विलेज और कुआँ है एक वहाँ पर बहुत ही फेमस, तो वहाँ हम जाएंगे। हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी, और उसके बाद जाएंगे डिबकेश्वर महादेव। तो अभी यहाँ कांगू हम लोग रुके हुए हैं पकौड़े वगैरह खाने के लिए, तो बहुत ही फेमस ये जगह है पकौड़ों के लिए, कांगू के पकौड़े। तो अभी हम चलते हैं, पकौड़े दिखाते हैं आपको। अभी हम पहुंच चुके हैं परियार, और यहां से व्यू आप देख सकते हो वो बर्फ का, और इस तरफ वो सामने बर्फ का व्यू। और अभी हम दर्शन करवाते हैं आपको भलेई माता के। तो वो सामने जो लाल सी छत दिख रही है वो भलेई माता मंदिर है, और ऊपर बर्फीले पहाड़ पद्री जोत और साच पास वाली तरफ के। सो ये है सामने चमेरा लेक, वो काफ़ी बड़ा है ये, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट चंबा के करीब तक जाता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी सी देर में बनीखेत गंडियार के पास में पहुँचे हैं, और उसके बाद दोनेरा और फिर पहुँचेंगे गुरचाल। तो ये लेक व्यू इस वाली तरफ का, और सामने बर्फीले पहाड़। व्यू तो यहाँ से भी हर तरफ का काफी बढ़िया है, बट अभी हरियाली नहीं है। बनीखेत, और अब राइड कर रहा है अजीत, तो मेरे लिए ये बेटर ऑप्शन होता है अगर ये या कोई और राइड करने वाला अगर साथ में हो। बहुत ही कम होता है ऐसा, बट जिस टाइम ये अगर साथ में होता है तो थोड़ा रास्ता हो जाता है। ये बनीखेत मार्केट और ये डलहौजी की तरफ का रास्ता, ये वाले रोड पर आगे की तरफ हम लोगों को जाना है अभी। नैनीगढ़ पहुंच चुके हैं हम, और अभी भी काफ़ी सफ़र है आगे। तो पहले डिसाइड हुआ है कि हम पहले जा रहे हैं अभी डिबकेश्वर महादेव, एंड उसके बाद देखेंगे गुरचाल का क्या सीन होता है। तो नैनीगढ़ मार्केट क्रॉस करी है अभी हमने, ये आगे तो रोड आप देख सकते हो, तो बीच बीच में खड्डों भरा रोड। थोड़ी सी देर में पहुंचेंगे हम दुनेरा, और दुनेरा से निकलेंगे सुलियाली रोड पर, उसके बाद जाएंगे डिबकेश्वर महादेव।
फाइनली हम पहुंचने वाले हैं दीपकेश्वर महादेव मंदिर। वो यहाँ से 200-300 meters आई थिंक बचा है आगे हम लोगों को, क्योंकि हम पहुँचेंगे दीपकेश्वर महादेव। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मंदिर और बाइक लग चुकी है साइड। आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। तो ये सामने का रास्ता है मंदिर की तरफ। हाँ नाउ हम शूज ओपन करेंगे देन आगे चलते हैं। ये स्नान के लिए महादेव मंदिर के यहाँ बना हुआ छोटा सा एक तालाब और सामने ये दीपकेश्वर महादेव गुफा के बीच और ये छोटा सा वाटरफॉल महादेव मंदिर में। तो मैं फर्स्ट जा रहा हूँ महादेव के मंदिर में। यहाँ जो हम पहुँच चुके हैं दीपकेश्वर महादेव को देख सकते हो आप, छोटे छोटे शिवलिंग इतने सारे बने हुए हैं। तो ये है दीपकेश्वर महादेव और ये पूरी गुफा नेचुरल बनी हुई है, कोई किसी ने बनाई हुई नहीं है। और ये शिवलिंग सारे नेचुरल अपने आप से यहाँ पर बने हुए हैं, पानी ऊपर से नेचुरल वाटर अपने आप आ रहा है। तो दीपकेश्वर महादेव ये आप देख सकते हो बहुत ही सुपर्ब और ये सारे शिवलिंग नेचुरल बने हुए हैं भोलेनाथ की माया अपरंपार। और ये ऊपर से जो पानी गिर रहा है ये भी नेचुरल यहीं पे निकल रहा है, कोई कुछ वो नहीं है। ये सारी भोलेनाथ की माया है आप देख सकते हो। तो ये हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं
ऊपर भोलेनाथ के दर्शन करने, महादेव का ऊपर एक और शिवलिंग है तो हम लोग वहाँ अभी दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं और अजीत पहुँच रहे हैं डीपकेश्वर महादेव। तो नर्मदेश्वर महादेव, यह है नर्मदेश्वर महादेव, डिपकू महादेव के पास में ही शिवलिंग। तो फाइनली भगवान भोलेनाथ के दर्शन। तो भगवान नर्मदेश्वर दर्शन, भगवान भोलेनाथ, ये वो रास्ता सीढ़ियाँ जो हम अभी चढ़कर नीचे वाली तरफ से ऊपर आए हैं, और ये आप देख सकते हो वो वहाँ नीचे है डीपकेश्वर महादेव गुफा। तो ऊपर आप देख सकते हो पानी का कोई भी सोर्स नहीं है, वहाँ नेचुरल वाटर वहीं से निकल रहा है जो भी वहाँ दिख रहा है। तो सारा जो पानी शिवलिंग पे गिर रहा है वो नेचुरल है सारा, यहाँ पर कोई भी पानी का वो नहीं है कि कहीं से पानी आ रहा है या कुछ। तो डीपकेश्वर महादेव और वो तालाब जहाँ पर लोग नहा रहे थे और अभी भी लोग नहाने के लिए आ रहे हैं। तो पहले लोग शिवलिंग दर्शन करने के बाद, डीपकेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद नहा रहे हैं, हम तो नहीं नहा रहे क्योंकि मेरे को एक्चुअली हल्का सा जुकाम लग गया हुआ है। तो लोग दर्शन करके ही वापस चल रहे हैं। तो डीपकेश्वर महादेव दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुरचाल कुआं। तो तब तक के लिए बाय।